सात जनवरी 7 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति बाबा ने कहा मीठे बच्चे सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो सर्वशक्तिवान बाप की याद से यानी आत्मा के ऊपर कुछ ऐसे विकर्मों के आवरण होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं पुराने संस्कार रूप से होते हैं तो संस्कार तो ऐसे ही सहज रूप से नहीं जाते हैं उन्हें तोड़ना पड़ता है समाप्त करना पड़ता है तो सर्वशक्तिवान के पास वो शक्ति है सर्वशक्तिवान बाप से हम ये कार्य कर सकते हैं कि उनको याद करें और अपने विकर्मों का नाश करें प्रश्न है बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से बाप के फरमान को भूलने से गंदी दृष्टि रखने से इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ बाप की आज्ञा है बाप की आज्ञा है कि देही अभिमानी बनो तो बुद्धि योग बाबा से जुड़ेगा और जो टूटता है वो क्यों टूटता है देह अभिमान में आने से फरमान न मानने से इसलिए बाबा कहते हैं <coughs> मुझे ही याद करेंगे देही अभिमानी होकर के रहेंगे तो बुद्धि योग भी मेरे से लगा रहेगा गीत है आने वाले कल की तुम शिव भगवानुवाच बच्चों ने गीत सुना बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है जिसको पतित पावन कहा जाता है परम पिता परमात्मा को ज़रूर पतित पावन कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे वो तो ज्ञान का सागर है बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं तुम अब आत्म अभिमानी बने हो दुनिया में सब दे अभिमानी है आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं बाप समझाते हैं आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता आत्मा में ही संस्कार रहते हैं शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है आत्मा भी अविनाशी बाप भी अविनाशी बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती बाकी हां आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है गंदे ते गंदी नंबर वन कट चढ़ती है काम विकार की फिर क्रोध की कट आत्माओं को बैठ बा, सम, बाप बैठ समझाते हैं ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं वो हुआ इस रथ का रथी पहली बात जो बाबा ने एक्सप्लेन की है वो शरीर अलग है और आत्मा अलग है शरीर विनाशी है पांच तत्वों का है आत्मा अविनाशी है ये जो संस्कारों की बात होती है जो आत्मा पर आवरण की बात होती है वो है वास्तव में आत्मा के ऊपर विकारों के जो आवरण कहते हैं वो आत्मा के ऊपर चढ़ता है न कि शरीर के ऊपर इसीलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा महात्मा कहा जाता है तो कभी हम ये नहीं कहते पाप शरीर पुण्य शरीर क्योंकि आत्मा से ही सरोकार है तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को ही समझना आत्मा निश्चय करना आत्मा समझ के मुझे याद करना उससे जो आपके ऊपर विकारों की कट चढ़ी है वो साफ होगी कि इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है वो कहते हैं हे जीव की आत्माएं हे मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है बाबा ने कहा कि सतोप्रधान आत्मा है तो उनको सतोप्रधान शरीर भी मिलता है कट चढ़ती है धीरे धीरे जैसे आटे में नमक फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है यानी कट चढ़ना शुरू से स्टार्ट हो जाता है नहीं ये बात नहीं है कि कट शुरू से चढ़ती है और विकार है ही नहीं ना सत्यों व त्रेता में दे अभिमान है ही नहीं विकार है ही नहीं परंतु आत्मा की जो प्योरिटी की लेवल है वो घटती आती, आती है पावर घटती आती है पावर घटती है जब पावर घटती है तो फिर वीकनेस आती है तो अटैक होता है तो जो असली चढ़नी शुरू होती है वो द्वापर युग से बाबा ने कहा कि तुमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं वो सब है रावण के बच्चे क्योंकि विष से पैदा होते हैं बाबा ने कहा सतयुग में विष होता ही नहीं इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो परंतु उनके ऊपर भी ज़रूर कोई आशीर्वाद देने वाला है जैसे पोप के लिए कहते हैं कि वो ब्लेसिंग देते हैं परंतु उनको भी तो पर पिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए जो ऊंचे ते ऊंचा है तुमको ब्लेसिंग तब मिलेगी तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो जो आज्ञाकारी ही नहीं उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते हैं और पद भ्रष्ट हो जाता है बाबा का मुख्य फरमान है बच्चों को देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी नहीं बनते तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी नहीं याद भी नहीं तो पद भ्रष्ट होगा गायन भी है ना पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे समझाने के बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए सो तब होगा जब योग पूरा होगा दे अभिमान की कट भी तभी उतर सकती है बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है हमारे पास तो फोटो भी हैं ये फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए फोटो की तीन चार कॉपियाँ होनी चाहिए परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है फिर आश्चर्यवत परम पिता परमात्मा का बनंती विश्व का राज लेवंती फिर भी भागंती हो जाती ये जो बाबा ने कहा कि चित्र आदि होने चाहिए बाबा मेहनत करके बच्चों को तैयार करते हैं और शुरुआत की बात है इतना ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं था सेवाएं भी इतनी वृद्धि को नहीं थी बहुत मुश्किल से युगल निकलते थे फिर वो युगल औरों के लिए प्रेरणा स्वरूप हो जाते थे तो बाबा ने उन लोगों का एल्बम बनवाए थे और एल्बम में तभी बाबा कहते हैं वो माउंट आबू में भी होने चाहिए दिल्ली में भी होने चाहिए अन्य स्थानों पर भी ताकि औरों को दिखा देखो ये लोग भी चल रहे हैं ऐसे है तो लेकिन बाबा कहते हैं उसमें भी कई फिर ऐसे हैं जो कि माया के वशीभूत हो जाते हैं कि पवित्र बनने का तो सबको हक है जबकि बाप आया है कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ ज्ञान अमृत पियो तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं पवित्र रहना तो अच्छा है ना देवताएं भी पवित्र थे पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं वहाँ सब निर्विकारी रहते हैं वो है वाइसलेस दुनिया भारत वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया थी फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब श्रीमत कहती है मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे न धारणा होगी कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए दे अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है मूल बात है दे अभिमान जो बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो द्वार खुल जाता है सब विकारों का तो सब विकार प्रवेश करता है कोई भी विकार अकेला नहीं आता अपने दोस्तों को अपने भाई बहनों को लेके आता है तो एक आएगा तो दूसरा भी उसके पीछे तीसरा भी आएगा इसलिए बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा को भी बाबा ने कहा कि पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है ये भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं ये दोनों पक्के हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज, राजेश्वरी बनती हैं तो जरूर उनके बच्चे भी बन बनने चाहिए बरोबर मालिक बनते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं फिर जितना जो सर्विस करे बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं बाबा ने आज वरदान दिया लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है अविनाशी परमात्म लाइट आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी सार यह है कि हमको स्वयं को लाइट स्वरूप भी रखना और डबल लाइट रहना हल्के रहना और जो प्रयोग की बात कही है उसका भी उपयोग करें स्लोगन है जीवन मुक्ति जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो जीवन मुक्त की अवस्था है कि जीवन में रहते हुए हर प्रकार के बंधन से न्यारे तो चाहे वो विकल्प है चाहे विकर्म है चाहे संबंध है ऐसे तो वो सब हमारे लिए बंधन हो जाते हैं इन सब से मुक्त होना जीवन मुक्त है तो ये थे बाबा के आज के माँ वाक्यों का स्पष्टीकरण यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें एट एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थ्री ज़ीरो नाइन पर ओम शांति